सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, एक न्यू सबक सामने ब्लॉग भी मैंने शुरू कर दिया है। मेरा नाम है अभिषेक और मेरे गांव का नाम है बड़कोट। तो आज का ब्लॉग गाइस, मैं सुबह के 10 बजे से यमुना घाटी की खूबसूरत छटांगा से गांव से कर रहा हूँ। तो छटांगा गाँव जस्ट मेरे सामने। तो आज मैं जा रहा हूँ गाइस अपने मामा कोट, बोल सकते हैं आप, क्योंकि मामा कोट की ड्रेस नीचे है कल सुखले टटाओ बोलते हैं यहाँ पे जाना मेरे को सीधे आ गया आज वहाँ पे, कि जो मेरा मामा कोटे डेखाट गाँव से वहाँ से आई है बाबा भगना की देव डोली। तो मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मुझे एक्चुअली इतना पता नहीं अभी। तो चलते हैं और देखते हैं आज क्या होने वाला है। तो आज का ब्लॉग आज आप लोगों ने काफ़ी खास, तो चलो बने रही आप ब्लॉग में कंटिन्यू और चलते हैं, लेट्स गो। फाइनली हम अभी पैदल ही जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और अभी पैदल ही जा रहे हैं हम। मेरे साथ बिट्टू, जो कि मेरी मामी का यानी मामा का बेटा है, तो अभी आ रहे हैं अभी। तो हम दोनों अभी पैदल जा रहे हैं, तो काफ़ी चलती है हम, तो चलो अभी काफ़ी चलना है हमको। तो हो सकेगा रास्ते में गाड़ी मिल जाएगी तो गाड़ी भी चलेंगे, बाकी ना तो पैदल ही चलेंगे। चलो चलते हैं कंटिन्यू, लेट्स गो। अभी आ चुके हैं हम थोड़ा सा आगे, हमें एक बाइक वाला मिल गया था तो हमें आगे तक छोड़ गया था थोड़ा, वो अलग डेस्टिनेशन पे जा रहे थे और हम अलग डेस्टिनेशन पर। सो यहाँ से पैदल रास्ता है तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। और अभी भाई का ब्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ, पहली बार ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत। तो अभी हम फाइनली काफ़ी नीचे आ चुके हैं और अभी हम रुके हुए एक ठंडे से स्थान पे। काफ़ी धूप भी हो रही है, आप देखते हैं काफ़ी धूप हो चुकी है, हल्के हल्के से फॉग में, लेकिन अभी भी यहाँ से कई लोग जा रहे हैं और अभी हमें भी जाना है आगे। तो हमें जस्ट जाना है गाइस इधर आगे, यहाँ से ऊपर जाना है, इधर साइड ऊपर टेखेड़ गाँव। तो अभी हमें काफ़ी दूर जाना है, लगभग बिटो कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? होगा 2 से 2.5। तो भाई यहाँ से 2.5 किलोमीटर बोल रहे हैं भाई, तो अभी चलेंगे हम, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। पैदल रास्ता जाना है, मतलब पैदल रास्ता जाना है हमने, गाड़ी तो है नहीं अभी। गाड़ी इनके लिए गांव के लिए जाती है शायद 1-1.5 बजे जाती है फर्स्ट गाड़ी शायद ना, तो इतने बजे जाती है मिनिमम। तो अभी तो जाएगी नहीं क्योंकि अभी हो रहे हैं सुबह के 10, तो अभी हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। अभी चलते हैं यहाँ से आगे कंटिन्यू, और इधर ठंडा है तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं ठंड में, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा थोड़े से बैठ के। चलो अभी चलते हैं आगे कंटिन्यू, क्योंकि अभी काफ़ी दूर जाना है तो टाइम भी हो जाएगा। चलो चलते हैं, लेट्स गो। फाइनली दोस्तों, अभी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और अभी हम आ रहे हैं एक सुंदर से पुल के ऊपर। तो आप मेरे अगल बगल का जो लोकेशन आप देख सकते हैं, और जस्ट नीचे बह रही है गाइस यमुना नदी। तो जय हो यमुना नदी की, जो कि यमुनोत्री क्षेत्र से आती है। तो यहाँ से लगभग होगा 40-45 या 50 किलोमीटर यमुना नदी। तो चलो अभी यहाँ से कंटिन्यू चलते हैं आगे के लिए, और तक भी काफ़ी लग चुकी है, बिट्टू भाई हमारे साथ कंटिन्यू चल ही रहे हैं। चलो यार चलते हैं गाइस आगे के लिए। दोस्तों फाइनली अभी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं और हम फाइनली पहुंच गए हैं टटावा में। बिट्टू भाई कितनी थक लगी आज? बहुत ज़्यादा। तो गाइस इतनी सारी, मतलब क्या बोले, बोल भी नहीं पा रही, इतनी ज़्यादा थक लगी हुई है और पूरा मुँह फेस पूरा मतलब बर्बाद हो गया यार धूप में। तो अभी हम ऊपर यहाँ से इस साइड ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पर डेखेट गाँव, तो मैं गया हूँ, आपको बताया भी होगा। एंड अभी यहाँ पे जो थोड़ी देर बाद देव डोली आएगी महाराज टटेश्वर की, वो इस साइड आएगी, यहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है आपको हल्का सा, यहाँ पे एक मंदिर, तो यहाँ आएगी तो बताएंगे आपको। तो अभी चलते हैं आगे डेखेट गाँव, तो आप देखो। फाइनली गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ डेखेट गाँव में, और अभी मैं हूँ अपने नाना जी के घर पर। तो अभी यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया आती है, और नाना जी अभी यहाँ पर खड़े हैं, वो बिट्टू यहाँ पर लगा रहे हैं माथे पे चंदन। तो चलो यहाँ से चलते हैं अभी यहाँ पे जहाँ पे देवता की पूजा हो रही है, तो वहाँ चलते हैं और दिखाते हैं आपको कंटिन्यू ब्लॉगिंग में आज क्या क्या होने वाला है। आप
जो कुछ होगा आपको हम आज अपने इस व्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं और आपको आज पूरा अपडेट देते हैं जो भी होगा इसके बाद एक्टिविटीज और जितना मेरा फोन कैप्चर कर लेगा वीडियो को। ठीक है तो दोस्तों, मैं फाइनली मंदिर के आंगन में पहुंच चुका हूं और आपको सामने एक देव डोली दिख रही है। ये है टट्टेश्वर महादेव की डोली। तो इसके बाद यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है आपको इस माध्यम से बताऊंगा। एक्चुअली मुझे जब अभी पता नहीं है क्या होगा, देखते रहिए आप। तो दोस्तों, फाइनली हम जा रहे हैं अभी यहाँ से टटाव और टटाव से सीधे बैक कर जाएंगे बाकी मरसाते सागर का गाँव है यहाँ पे मामा भी आई कि मुझे तो मिले नहीं तो पता नहीं। बाकी अभी चलते हैं कंटिन्यू आगे क्योंकि अभी यहाँ से पैदल जाएगा जितना टटाव जितना हो सकता मैं आपको अभी बताऊँगा अपडेट। तो यार बने रही आप लॉन्गी में। तो गाइस यहाँ से जा रहे हैं अभी पैदल ही पैदल यहाँ शर्मा देवी की डोली है वो जा रही है अभी यहाँ से कटाव के लिए। चलो चलते हैं हम भी साथ में और भीड़ इतनी ज़्यादा है गाइस क्या बोले हम तो ज़्यादा तो काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है अभी यहाँ से व्यू काफ़ी तगड़ा आ रहा है। I'm not afraid to die.
फाइनली हम टकाव में पहुंच गए हैं और मेरे जस्ट सामने है टेकहेड गांव की सम्मानित जनता जनार्दन और बगल में सागर। तो सागर भाई इसके बाद यहां से डोली कहां जाएगी? प्यारविला की ओर जाएगी। तो यहां से इधर प्यारविला पड़ता है, बनाया जाएगा। हां, और उसके बाद तो माथम पाया जाएगा बस। तो गाइस आपको सागर भाई ने बता दिया है यहां से देवता की जो डोली है प्यारविला के साथ जाएगी और यहां से इधर साइड पड़ता है प्यारविला साइड। तो अभी आपको ले जाएंगे जितना बता पा रहे हैं, आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे एक महीने तक जो बाबा अवनाथ की डोली है वो तो यहीं पे विराजमान रहेगी और सुन्ने महाराज की यहाँ पे इनका भंडारा रखा हुआ है, तो शायद भंडारा का माथम खा के जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए आप लोगों में, जितना हो पा रहे मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, इधर काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। देखते रहिए आप हमारे चैनल भटकोड़ ब्लॉग, तो आपको बताते रहेंगे इससे आगे की अपडेट भी, आपको प्रत्येक राउंड देते रहेंगे जो भी होगा इसके बाद। Yeah!
फाइनली हम अभी दियार बिलाग की ओर आए थे और आपने आज का जो यहाँ का माहौल देखा, काफी तगड़ा माहौल था और अभी भी यहाँ पे इंसान का पूरा जो कार्यक्रम है वो हो ही रहा है, डांस का हो ही रहा है, नृत्य। तो अभी यहाँ से देखा जाएगा अपने कटा वाले मंदिर के पास जहाँ पे देवता आया था सबसे पहले, तो हम भी चलते हैं अब यहाँ से ठाकुर गांव के लिए। तो शाम के 6 बज चुके हैं तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो गाइस चलते हैं अभी यहाँ से बैक बड़गढ़ के लिए। तो गाइस चलो बने रही आप लोगों में, चलते हैं, लेट्स गो।